लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गुड मॉर्निंग। अयो बल्लू जी, आज आपके अखबार में क्या छपा? यार एक नेता अपने बयान से ही मुकर गया, कहता जो कुछ भी मैंने पार्लियामेंट में कहा था वो तो नींद में कहा था। नींद में कोई बयान कैसे दे सकता जी? ओ बयान क्या जी, लोग नींद में जाके फिल्म देखाते हैं, आके स्टोरी भी सुना देते हैं। प्रीति चाय भिजवाना प्लीज। हाँ ला रही हूँ अभी। लीजिए ये रही आपकी फेवरेट ब्लैक टी विद लाइम। थैंक्स। इससे पहले कि आप अखबार पढ़ने में कुछ ज्यादा ही बिजी हो जाएं, आपको याद है ना कि आज आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ एक स्पेशल मीटिंग बुलाई है? ओह गॉड, मैं तो भूल ही गया, और लास्ट मीटिंग मैंने डिटेल्स भी चेक नहीं किए हैं। प्रीति तुमने मेरी ब्लैक फाइल देखी है? उधर नहीं, इधर रही आपकी ब्लैक फाइल, रात को दूसरी टेबल पर रखती थी आप। ओह थैंक्स। थैंक्स, मैं कोई पड़ोस में रहती हूँ कि आपको थैंक्स बोलना पड़ेगा। तैयार हो जाइए, नाश्ता रेडी है। प्रीति जरा सुनो। हाँ? वो नए जॉब्स के लिए आज जो तुम इंटरव्यू ले रही हो, उन एप्लीकेंट्स की फाइल कहाँ? ऑफिस में। वो फाइल यहाँ क्या कर रही है? ओह गॉड, भूल गए रात को तुम्हें मुझे साइन करने दी थी। थैंक्स, बड़ी परेशान से बचा लिया आपने मुझे आज, थैंक्स अ लॉट। एक्सक्यूज मी, मैं क्या पड़ोस में रहता हूँ जो तुम मुझे थैंक्स कह रही हो? शाम का प्रोग्राम याद है ना आपको? हाँ हाँ याद है, शाम को 4:30 बजे शॉपिंग। गुड, हियर एप्पल जूस फॉर यू। मैं एप्पल पीता नहीं हूँ, एप्पल खाता हूँ। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, एंड द डॉक्टर इज क्यूट, कीप द एप्पल अवे। अयो बल्लू, देखो जी इन दोनों का जोड़ी, देखो। शाम का प्रोग्राम याद है? हाँ याद है। बाय बाय। स्वागतम। अरे मुर्गे स्वामी, तुम क्या सोच के इस ब्यूटी को अविनाश की झोली में टपकाया? यार टपकी तो मेरी झोली में थी, लेकिन दिमाग के दरवाजे ही बंद हो गए। यार मेरी प्रॉब्लम ही यही है कि सही वक्त पे मेरा दिमाग ही नहीं चलता। अयो बल्लू जी, हम जब भी इसको देखता हमको कुछ कुछ होता, सीने में आग लगता, रोंगटी खड़ा हो जाता और कान गर्म। फीलिंग तो मेरी भी सेम है, लेकिन मेरी प्रॉब्लम है कि गेटअप की वजह से मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता। बल्लू जी, हम एकदम कंफ्यूज। एक तरफ तो हमारा इस देवी को गले लगाने का दिल करता, और दूसरी तरफ उस बीवी को धक्का देने का दिल करता। मेरा भी केस यही है जी, मेरी बीवी ऐसी है जैसे भगवान ने सरकारी ठेके पर बनाई हो, थर्ड क्लास कंस्ट्रक्शन। अरे नहीं जी, तुम्हारा बीवी तो देखने में कभी कभी बहुत अच्छा लगता। किसको? आपको जी। मुत्तू, जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मुझे बीवी पे इतना प्यार आता था, दिल करता था कि उसे खा जाऊं। और अब जी? अब मैं सोचता हूँ कि खा ही गया होता तो अच्छा था। क्या कहा तुमने? मैं तो कह रहा था कि मेरी बीवी इतना अच्छा खाना बनाती है कि उंगलियां खा जाने को दिल करता है। अच्छा, क्या बोला जी? हम बोला हम अपनी डार्लिंग को बहुत प्यार करता। अयो झूठ बोला, जैसा प्रीति को देखकर तुम्हारे दिल में कुछ कुछ होता, वैसा अविनाश को देखकर हमारा दिल भी धक धक करता। अयो हार्ट प्रॉब्लम, चलो डॉक्टर के पास चलो जी। अयो डॉक्टर को गोली मारो और कान खोल के हमारी बात सुनो, जो तुम करेगा वही हम करेगा, जो तुम सोचेगा हम वही सोचेगा। सुन लिया ना? चलो बहन जी, आज के लिए इतना ही कोटा काफी है। चलो अंदर, हम बनाता तुम्हारा बंदर। देखो अपना छोटा मूछ, अविनाश का देखो लंबा मूछ। हेलो रीटा, प्लीज कम इन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैंने जिस ऑर्डर में एप्लीकेशंस रखे हैं, उसी ऑर्डर में एक एक करके लोगों को इंटरव्यूज के लिए भेजो। हाँ श्योर, आई विल डू दैट। और आज जो पेपर्स वगैरह साइन करवाने हैं 3:30 बजे तक करवा लेना, उसके बाद मुझे बाहर जाना है। यस मैम। ओके सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कहने का मतलब है कि जब बाजार में सब अपना भाव बढ़ा रहे हैं तो फिर आप घटाने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम मिल्क पाउडर बेच रहे हैं, फेस पाउडर नहीं बेच रहे। हैव अ हार्ट।
हर चीज में तो हम कमा ही रहे हैं। अगर एक चीज में नहीं कमाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? मगर सर, अगर मगर कुछ नहीं, विद इमीडिएट इफेक्ट हम मिल्क प्रोडक्ट्स के भाव घटा रहे हैं। सर, अरे भाई, गरीब बच्चों की दुआएं मिलेंगी। ओके फोक्स, थैंक यू वेरी मच। मिस्टर गोयल से कहना 3 दिन के बाद बोर्ड की मीटिंग रखें। जी ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, मैडम का फोन है। सॉरी प्रीति। हाँ बस मैं निकल ही रहा था। ठीक है, मेरी गाड़ी में चलते हैं। ओके ओके बाय। आइए सर, बच्चों के कपड़ों का एकदम फ्रेश स्टॉक आया। आइए मैडम, आप भी आइए। प्रीति, ये रोहन के लिए कैसा रहेगा? उसको तो ब्राइट कलर्स पसंद है ना। आपका बच्चा कैसा है? मेरे बाप जैसा है। ओह, अपने दादा पर गया है। पिंकी के लिए ये ड्रेस अच्छी है, ले लूं? भाई जो तुम्हें पसंद वो मुझे पसंद। सुनिए, इसे पैक कर दीजिए। ओके सर। बाबा, प्रीति दीदी कैसी हो? अच्छी हूँ। माँ कैसी है? हाँ ठीक है। रूपा, बिल्कुल दिल से मत लगाओ, जस्ट फॉरगेट इट। चलो चलो। अम्मा अम्मा अम्मा, मार्केट में प्रीति दीदी मिली थी। अच्छा, कैसी है वो? बहुत सुंदर दिख रही थी, एकदम चमचमाती नई गाड़ी में आई थी, हांडा में। हांडा नहीं, होंडा में। अरे जिसने इज्जत बेच खाई हो वो गाड़ी में क्या हवाई जहाज में भी चल सकती है। अपनी बेटी के बारे में कोई ऐसे बोलता है क्या? आखिर उस बेचारी का कसूर क्या है? चुप रहो, नाक कटवा दी हमारी कमबख्त ने, और तुम कहती हो कसूर क्या है? मर चुकी है वो हमारे लिए और हम उसके लिए। आइंदा से इस घर में किसी ने भी उसका नाम लिया तो याद रखना, मेरे नाम के आगे स्वर्गीय लिखना पड़ेगा। चलो करण बेटा, जल्दी बैठो। मम्मी डैडी अभी तक क्यों नहीं आए? अभी 5:30 नहीं बजे होंगे। लेकिन फिर कुणाल की मम्मी कैसे आ गई? उनकी गाड़ी फास्ट चल रही होगी। लो, वो आ गए मम्मी डैडी। पिंकी, रोहन, कम ऑन कम ऑन। मम्मी डैडी, फास्ट फास्ट। मम्मी, आज सवाल के दरवाजे भी नहीं आ जाए। इतनी देर कहाँ लगा दी मम्मी? ऑफिस में काम होगा। आप दोनों के लिए कपड़े खरीदने गए थे। अभी पिकनिक पे चले गए ना डैडी? पिकनिक? पिकनिक क्यों? अरे आपने वादा जो किया था। मैंने कब वादा किया? डैडी, हाँ हाँ वादा किया था। ए चुप, तेरा गला खराब है, कोई आइसक्रीम आइसक्रीम नहीं मिलेगी। लिटिल वन आइसक्रीम। प्रीति, अरे बबली, हाय, कैसी है तू? अरे शुक्र है कि तुझे अब तक मेरा नाम तो याद है। मेरी नाम तो याद है, एक तू ही तो थी, मेरी क्लासमेट, बैचमेट, रूममेट भी। हाँ हाँ, तभी तो ना शादी की खबर दी ना बच्चों की। अविनाश मेरी फ्रेंड बबली। ओह, इट्स अ प्लेजर मीटिंग यू। बाय द वे, मैं कोई उसकी ऐसी वैसी सहेली नहीं हूँ, 24 घंटों में से 25 घंटे ये मेरे साथ रहती थी। वो तो मैं लड़का नहीं हूँ, वरना आज ही आपके साथ नहीं मेरे साथ जिंदगी गुजार रही होती। बकबक करती रहोगी या अपने बारे में भी कुछ बताओगी? हाँ, मेरा क्या है, मैं तो सिंगल ही हूँ। वैसे इनका कोई यंगर ब्रदर है? बाय बाय, यू नो। ये बता, मिलने कब आओगी? मेरा क्या है, मैं तो कभी भी टपक सकती हूँ। ये रहा मेरा कार्ड, आपके टपकने का हम इंतजार करेंगे। ओह थैंक्स, बाय, सी यू, बाय चिटकोस, बाय आंटी यू। सीता जी, तुम वंदना बहुत अच्छा सिखाता। अयो मुत्तु, तुम वंदना बहुत अच्छा सीखता। सीता जी नहीं, सीता जी। कौन बम फोड़ा जी? हैप्पी दिवाली रे बंधु, हैप्पी दिवाली। अरे आओ रे बंधु, की बोलती? आओ रे बंधु, चलो मनाओ हैप्पी दिवाली। अरे हैप्पी दिवाली रे बंधु, हैप्पी दिवाली रे। अयो बल्लू जी, ये कौन सा महीना चलता? और पप्पी, अपने कैलेंडर में इस महीने फरवरी महीना चल रहा ना? आहो जी, फरवरी कंफर्म जी। तो फिर ये फरवरी में दिवाली क्यों मनाता? अम्मा के की रकम पागल हस्बैंड मिले गया चिगो बाबा। अरे फटाके बोलो हैप्पी दिवाली। हे हैप्पी दिवाली रे बंदो, हैप्पी दिवाली। ओ चैटर्जी भाई, चैटर्जी, आज दिवाली नहीं है। अरे कौन बोलेगा दिवाली नहीं, बात करता है। और दिवाली तब होती है जब लोग पटाखे चलाते हैं। हम क्या अर्थी चला रहा है? अयो जी, दिवाली आज नहीं, नवंबर में होता। अरे एक बात बोलेगा दादा, ये नवंबर में दिवाली क्यों आता है बोलो तो? इसका जनरल नॉलेज थोड़ा कम है।
हम समझाता, रामचंद्र जी रावण को मार के नवंबर में अयोध्या में लौटा। लक्ष्मण तुमको फोन करके बोला है कि रावण दादा को मार के भैया वापस लौटा है। फोन नहीं भाई, कैलेंडर में छपा। वो कौन सा कैलेंडर का बात करता है? अरे उस जमाने में तुम्हारा दादा बैठा था, कैलेंडर छपने के लिए बात करता है। अरे भाई तुम मानते क्यों नहीं, तमाम हिंदुस्तान जो है वो नवंबर के महीने में ही दिवाली मनाता है। एक सूट का दिलीप कुमार, एक सूट पहने का बात कितना करेगा रे? अरे कौन सा किताब में लिखा हुआ है कि पूरा इंडिया दिवाली मनाएगा तो हम भी मनाएगा? बात करता है साला, हम सोएगा तो पूरा इंडिया सोएगा, हम होएगा तो पूरा इंडिया रोएगा, हम हमारा बीबी से प्यार करता है तो पूरा इंडिया करेगा, नहीं करेगा ना फिर तो हम क्यों पूरा देश हिसाब से दिवाली मनाएगा? हम मनाएगा जब हमारा खीचे में पैसा होगा तभी हम मनाएगा। हैप्पी दिवाली रे बंधो, हैप्पी दिवाली, अरे अरे हैप्पी दिवाली रे बंधो, हैप्पी दिवाली। बाय बाय मम्मी, बाय बाय, सी यू, बाय। क्यों भाई, आप ही है ना प्रीति व्यास? जी हाँ, बोलिए। बोलूंगा, फर्स्ट है ना, तू मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल। क्यों? अच्छा, तेरे क्यों का जवाब दूंगा तभी तू मेरे साथ आएगी। है देखिए, अब जरा इज्जत से बात कीजिए। चुप छप पंचोरी, तेरे साथ इज्जत से तो पुलिस स्टेशन में बात करूंगा। ओ चल, ओ चल, क्या कर रहे हैं? ओ चुप करके बैठ जा जीप में, ओ दरवाजा खोल, चल बैठ। क्यों बैठो? वो इसलिए कि बिना लाइसेंस धंधा करने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ, यू प्रोस्टिट्यूट। अयो राम, ओ चलो ए, चलो ए बैठ, ओ चल बंद कर, बंद कर। पुलिस है, पकड़ के लेके गया। समझ में? भाभी जी, मेरे को मालूम लड़की गड़बड़। अयो तुम राइट टाइम पर आया जी। क्यों, क्या हुआ? पुलिस प्रीति को पकड़ के लेके गया जी। हाँ। मगर क्यों अजी, धंधा करने के जुर्म में? प्रीति, अविनाश, किसने गिरफ्तार किया तुम्हें? मैंने किया भाई, बोल। किस जुर्म में? प्रोस्टिट्यूशन विदाउट। क्या कहा? ओए क्या कहा? आन ड्यूटी ऑफिसर पर हाथ उठाने का नतीजा जानता है तू? ओए बस कर यार, जब से है भाई मारे जा रहा है, मारने का इतने शौक है तो उसको मार जिसने रिपोर्ट लिखवाई है। किसने लिखवाई है? और तेरे पिताजी ने यार। ये क्या बदतमीजी है? यही तो मैं पूछने आया हूँ कि क्या बदतमीजी है, क्या सोचकर आपने इस भरी लड़की पर इतना घटिया इल्जाम लगाया? हिम्मत तो मेरी आंखों में आंखें डाल के कहो कि शी इज अ प्रोस्टिट्यूट। तो फिर किस रिश्ते से तुम्हारे साथ रह रही है, समझा सकते हो तुम मुझे? हाँ समझा सकता, लेकिन आप समझ नहीं सकते, क्योंकि आपने तो जिंदगी भर रिश्तों के नाम पर सिर्फ गंदगी फैलाई है। जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? हाँ, एक घटिया डिबॉच और हर औरत को लूज कैरेक्टर समझने वाले कैरेक्टरलेस आदमी से बात कर रहा हूँ मैं। अविनाश शेवराज, शायद तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। काश मैं भूल सकता कि आप मेरे बाप हैं, लेकिन ये मत समझिएगा कि अगर प्रीति को आप मुझसे अलग कर देंगे तो मैं घर लौटकर वापस आ जाऊंगा, बल्कि दोबारा ऐसी चीप हरकत की तो याद रखिएगा, आपके मरने के बाद आपके चिता को आग देने भी नहीं आऊंगा। अविनाश, अविनाश कैसा है बेटा तू? ठीक हूँ माँ। चल अंदर चल। अभी नहीं माँ, अभी जरा जल्दी में हूँ। इतना नाराज है अपनी माँ से? नहीं माँ, तुझसे तो मैं नाराज हो ही नहीं सकता, फिर कभी आऊंगा, चलता हूँ। अभी हे भगवान, मेरे बच्चे को जल्दी घर वापस भेज दे। प्रीति, अपने आप पर काबू रखो प्लीज। अगर मैं ये कहूं कि मैं तुम्हारा दुख समझता हूं तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि सुख और दुख वही समझ सकता जिस पर बीतती है। अगर मैं कहूंगा कि रो मत तो तुम्हें और ज्यादा रोना आएगा, इसलिए मैं तुम्हें वो भी नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो लोग खुद से नहीं डरते, ये समाज उसी से डरता है और उसे डराने की कोशिश करता, उस पर जुल्म ढाता है। प्रीति,
राम के इल्जाम लगाने पर सीता का रोना, यह बात तो समझ में आती है, लेकिन रावण के इल्जाम लगाने पर सीता का रोना, यह बात बिल्कुल गलत है। गुंडागर्दी और अन्याय के बोझ तले दबे हुए समाज के बचने की अगर कोई उम्मीद बाकी है तो सिर्फ तुम जैसे कुछ लोगों की बदौलत है। अगर तुम हिम्मत हार गई तो समझ लो कि सच हार गया और झूठ जीत गया। सो प्लीज डोंट लेट दैट हैपन। बबली, प्रीति ये सब क्या हो रहा है? बाहर मोहल्ले वालों से तुम्हारा पता पूछा तो सब ऐसे देख रहे थे जैसे कि मैं कोई अछूत हूँ। क्या सचमुच तुम्हारे ससुर ने तुम पर जिस्म बेचने का इल्जाम लगाकर अरेस्ट करवाया? पूजा किए बगैर जिस घर में कोई एक बूंद पानी भी अपने मुंह में नहीं डालता, उस घर की बेटी पर इतना भद्दा इल्जाम, आखिर मामला क्या है प्रीति, कुछ तो बताओ।